हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कक्षा एट होम में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि कल प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से जो रीट की विज्ञप्ति है उसमें थोड़ा सा संशोधन किया है। वो संशोधन कौन सा संशोधन किया है, किस कॉलम में संशोधन किया है, किस बिंदु को संशोधित किया है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो कि जो विवाहित महिला आवेदक थी वो पहले अपने जो जाति प्रमाण पत्र थी या कोई आय प्रमाण पत्र है वो उनके पिता के नाम से ही बनता था। मतलब उनको जो आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र था वो अपने पिता के नाम से और जो पुराना उनका निवास स्थान है, पिता का जो निवास स्थान है उसी के आधार पर बनाना था। लेकिन जब संशोधन के बाद में इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है कि उस आवेदन करने वाली जो विवाहित महिला है उसको आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान और आय के आधार पर, तो वो आवेदन पत्र तो वो का वही बनेगा लेकिन उसके साथ ही क्रीमिलियर का जो वर्ग में नहीं होने का जो प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा और साथ ही जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और शहरिया वर्ग के आवेदन है वो महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान के आधार पर जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतलब इनको भी अपना इसी तरीके से जो प्रमाण पत्र है वह प्रस्तुत करना है। और साथ में दूसरा संशोधन है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो विवाहित महिलाएँ हैं, ठीक है, तो उनको सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतलब जिसकी जो आय है फ्रेंड्स वो 2.5 लाख से कम है तो उनको अपना आय पर प्रमाण पत्र बनाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर तैयार रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये संशोधन कोई खास संशोधन नहीं है, ओनली क्रिमिलियर वर्ग का जो नया सर्टिफिकेट है वो भी आपको बना रखना पड़ेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कुछ इस टाइप का एक पेपर आता है, इसको फिलअप करके आपको इसकी नोटरी करवानी रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी चीज़ है फ्रेंड्स कि जो नए रीट के अभ्यर्थी थे, मतलब जिन्होंने बीएड सेकंड ईयर में अपेयरिंग होते हुए पेपर दिया था और एक अच्छा स्कोर प्राप्त किया था, तो उन्हें आवेदन करने के लिए गहलोत सरकार ने अनुमति दे दी थी। लेकिन जब ये आपका रीट का सर्टिफिकेट जैसे ही आप देख रहे हो तो इसके पीछे जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं इनमें आप देख सकते हो कॉलम नंबर 4 में कि ऐसे अभ्यर्थी जो रीट में एनसीटी के नॉर्म और स्तर के आधार पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययनरत है वे भर्ती के लिए तब ही पात्र होंगे जबकि उन्होंने प्रशिक्षणिक पाठ्यक्रम रीट 2021 के परिणाम जारी करने से पूर्ण उत्तीर्ण कर लिया हो। मतलब जब रीट का रिजल्ट आया था उसके पहले उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए था, ऐसा इसमें इसकी शर्तों में लिखा हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें संशोधन किया जा सकता है और कुल मिलाकर के जो जब अशोक गहलोत सरकार ने अनुमति दे दी है तो इस लाइन को आपको गौर नहीं करना है, आपको आवेदन करना है और आप आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हो फ्रेंड्स, तो इस चीज़ पर आप ज़्यादा ध्यान ना दीजिए। कुल मिलाकर के जो संशोधन होना था वो ना के बराबर संशोधन हुआ है। अगर अब आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही चैनल पर जल्दी से अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.